गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन टुडेज़ क्लास वी विल सी अबाउट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ओके, सो व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? जुवेनाइल दैट मीन्स बिलो 18 ईयर्स चाइल्ड, ओके, एंड डेलिक्वेंसी दैट मीन्स एनी बैड बिहेवियर फ्रॉम द चाइल्ड। ओके, सो द टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हैज़ बीन डिफरेंटली interpreted, but generally speaking it refers to large variety of behavior of children and adolescents which the society does not approve and for which some kind of admonishment, punishment and preventive and corrective measures are justified in public interest. Okay, juvenile delinquency kya hota hai ki juvenile that means childhood period, theek hai, ya to fir adulthood period, theek। उस पीरियड में क्या होता है कि चाइल्ड ऐसे बिहेवियर शो करता है, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ करता है जो कि जो पब्लिक है उसके थ्रू क्या होता है एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, और पब्लिक उसकी जगह पे क्या दे सकती है, उसको पनिशमेंट दे सकती है। लाइक अगर बच्चे हैं कोई क्राइम कर लेते हैं, किसी का मर्डर कर लेते हैं, रेप कर देते हैं, तो वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है बाय द सोसाइटी, ठीक है, जिसकी वजह से द चाइल्ड विल हैव द पनिशमेंट और एडमोनिशमेंट। ओके, सो इट इज़ वॉट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इट इज़ अ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय द जुवेनाइल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन एंड द बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी एंड द सोसाइटी कैन गिव एडमोनिशमेंट और पनिशमेंट टू द चाइल्ड। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इट इज़ फर्स्ट इज सोशल फैक्टर्स, मीन्स लो सोशल क्लास। अगर पेरेंट्स का, ठीक है, क्लास क्या है, लो सोशल क्लास है, मतलब कि अगर पेरेंट्स इकोनॉमिकली अच्छे से वेल इस्टेब्लिश नहीं है और बच्चे का डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चा क्या कर सकता है, अपनी नीड्स को पाने के लिए वो दूसरा क्या कर बैठता है, क्राइम कर देता है। लाइक क्या कर सकता है कि अगर दूसरों के पास वो कुछ अच्छी चीज़ें देखेगा तो उनको क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, ठीक है, क्राइम कर बैठेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉजेज इज़ पॉवर्टी, एज आई टोल्ड, लो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पुअर हाउसिंग, पुअर एजुकेशन, अगर बच्चे को अच्छे से गाइडेंस नहीं दिया गया हो, ठीक है, उस कंडीशन पे उसको व्हाट इज़ पॉजिटिव बिहेवियर, व्हाट इज़ नेगेटिव बिहेवियर, ये बच्चे को पता नहीं रहेगा ना, और ये ऐसे चीज़ें कर बैठते हैं, ठीक। वॉर और पोस्ट वॉर कंडीशंस, देन झगड़ा और झगड़े के बाद का कंडीशन, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ऐसे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, मतलब कि अगर दो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से किसी एक ने कोई क्राइम कर बैठा, मे भी उसे पत्थर से मार दिया, मे भी उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मार दिया, तो झगड़े या झगड़े के बाद ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, सडनली कोई क्राइम कर बैठता है, ओके, और उसको क्या हो सकता है, उसकी वजह से जेल हो सकता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक क्या है, मतलब कि एक जेल जैसा ही रहता है जिसमें बिलो 18 इयर्स या माइनर्स को क्या रखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब अबव 18 इयर्स के हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब उनको कहाँ रखते हैं, मेजर जो बड़ा वाला जेल होता है ना जिसमें एडल्ट लोग को रखते हैं, वहाँ रखते हैं। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले जो जेल रहते हैं उसमें बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ फैमिली फैक्टर्स। फर्स्ट वी हैव सीन अबाउट दी सोशल फैक्टर्स, ओके, देन नेक्स्ट इज सेकेंड इज फैमिली फैक्टर्स, इन दैट सेपरेशन, ब्रोकन होम्स, डाइवोर्स इन द फैमिली, हिस्ट्री ऑफ क्राइम इन द फैमिली, लार्ज फैमिली साइज, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इरेटिक डिसिप्लिन, अ हार्श और नेग्लेक्टिंग केयर, ठीक है। अगर पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया होगा, उनके में ब्रेकअप हो गया होगा, या ब्रोकन फैमिली होगा, डाइवोर्स हो गया होगा, कोई फैमिली मेंबर्स में कोई क्राइम किए होंगे, या तो फिर फैमिली का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो उस कंडीशंस में चाइल्ड को अच्छे से रेयर एंड केयर नहीं प्रोवाइड होगा। और बच्चा अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को क्राइम करते हुए देखा है तो उस बिहेवियर को क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो ये सब ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चा क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होम में जा सकता है, ठीक है। देन फैक्टर्स इन द चाइल्ड, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन की वजह से ऐसा हो सकता है, लो आईक्यू लेवल, मतलब कि एजुकेशन लेवल कम हो, उसकी वजह से उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर के बारे में पता नहीं रहेगा, ठीक है। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो, देन लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग पर्सनली
पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स, अगर पर्सनालिटी अगर बच्चे का ठीक नहीं है तो वो किसी भी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा एंड द चाइल्ड विल हैविंग द प्रॉब्लम। देन इमोशनली इमेच्योरिटी इज देयर इन द चाइल्ड। देन मेंटल इलनेस, इफ एनी मेंटल इलनेस इज देयर लाइक डिप्रेशन, सो द चाइल्ड विल हैविंग द दिस टाइप ऑफ बिहेवियर और वायलेंट बिहेवियर और एनी बैड बिहेवियर दैट द सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट। ओके, then next we will see about the reformatory measures or we can say that it is management। okay, first is probation। probation मतलब क्या होता है, एक छोटा सा जेल होता है जो इसमें बच्चे लोग को रखा जाता है और वहाँ पे उनके जो बैड बिहेवियर्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और इसको हम लोग बोल सकते हैं बाल सुधार केंद्र। ओके, सो प्रोबेशन, जुवेनाइल डेलिक्वेंट आर केप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफिसर whose job is to look after the delinquent, to help him getting established in the normal life and to see that the delinquent observe the rules of bail bond। okay, means probation एक संस्था होती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को रखा जाता है और जो ऑफिसर रहता है वो हमेशा बच्चे लोग को क्या करेगा, चेकआउट करते रहेगा कि उनका जो बैड बिहेवियर्स है वो मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा कुछ न्यू लर्निंग कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इसको क्या करते रहेगा वो वॉच आउट करेगा या तो फिर अपनी निगरानी में रखेगा। ओके, देन इंस्टीट्यूशंस लाइक रिफॉर्मेटरी, सर्टिफाइड स्कूल्स, ऑक्सिलरी होम्स एंड फोस्टर होम्स, देन रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, सो दीज ऑल आर सम इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड कैन बी कैप्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज प्ले थेरेपी, दिस चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स थ्रू विच दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। मीन्स अगर चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्ले थेरेपी के क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है, प्ले थेरेपी के थ्रू उस प्रॉब्लम को थेरेपिस्ट जो है उनको क्या कर सकता है, शो करता है, अगर उनमें कोई इमोशंस है कोई फीलिंग्स है तो उसको क्या करेगा वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ के जरिए। ठीक, देन फिंगर पेंटिंग्स, द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विथ ऑल पेंटिंग मटेरियल टू पेंटिंग ही इज हर ओन वे टू एक्सप्रेस रिप्रेस्ड मोटिव्स इन द चाइल्ड। ठीक, मीन्स पेंटिंग के जरिए भी बच्चे अपना क्या करते हैं, जो भी इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक वे प्रोवाइड करना है बच्चे को, उसको फ्री रखना है, ठीक है, फ्रीडम देना है फुल्ली कि वो कुछ भी पेंट करे, जो चाहता है वो करे, ठीक है, जिसके कारण उसके माइंड में जो चल रहा है ना बच्चा उसी चीज़ को ही क्या करेगा वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, देन साइकोड्रामा, द चाइल्ड इज इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट रोल प्लेइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन विच विल हेल्प देम टू रिप्रेजेंट रिप्रेस्ड मोटिव्स। ठीक है, साइकोड्रामा मतलब क्या होता है कि चाइल्ड को बहुत सारे ग्रुप्स में मिलकर क्या करना है, एक ड्रामा तैयार करने के लिए बोलना है, ठीक है, या तो फिर क्या ड्रामा को अपन क्या बोल सकते हैं, नाटक जैसे करना है, ठीक है, प्ले करके दिखाना है, अगर वो बच्चा प्ले करेगा तो हम लोग को पता चल सकता है कि चाइल्ड का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, रोल प्ले बोल सकते हैं अपन। देन वोकेशनल ट्रेनिंग वी हैव टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड, इट कैन बी प्रोवाइडेड टू द डेलिक्वेंट चिल्ड्रन सो दैट दे बिकम इनेबल टू सेटल डाउन इन ट्रेड्स लर्न इन द स्कूल। ठीक है, जिससे कि उसका अच्छा बिहेवियर क्या हो सके, गेन हो सके। देन फॉलो अप सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड बिहेवियरल टेक्निक्स वी हैव टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड, जिससे कि उसका बैड बिहेवियर्स है, वॉयलेंट बिहेवियर है, एनजाइटी है, वो सब चीज़ क्या हो सके, कंट्रोल हो सके और चाइल्ड क्राइम से क्या हो सके, बच सके। ओके, so these all are about the juvenile delinquency, we have seen about the introduction, some causes like social factors, family factors and problems or factors in the child, then we have seen some management or reformatory measures like probation, institution, play therapy, finger painting, psychodrama, vocational training, follow up, rehabilitation, guidance and counseling, then behavioral techniques। okay, so thank you students।